आधार कार्ड का केस लड़ा था, उसमें क्या जजमेंट आया? सबसे पहले तो मैं इस देश के करोड़ों आदिवासी जो लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेरी जंग नहीं है बल्कि देश के करोड़ों आदिवासियों के जंग है। ये इस आधार कार्ड में केस में मेरे पास पूरे मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के और गुजरात के जंगलों कंदरवाओं के आदिवासी लोग आए थे, और जिन्होंने ये मुझसे ये कहा था कि आदिवासी को स्कूल में 1500 आदिवासी स्टूडेंट हैं जिनको स्कूल से टर्मिनेट हो गया, कर दिया गया आधार कार्ड न होने की वजह से। तो मैंने ही उनके सारे जो टर्मिनेशन बच्चों के टर्मिनेशन के पेपर कलेक्ट कर रहे थे, मैंने ही डायरेक्ट रिट पिटीशन आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी थी, और आज ये आधार कार्ड का फैसला आ गया कोर्ट का। और इसमें कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी मेरी जो पिटीशन को के बात को कंसिडर करते हुए, ये बात कही कि आधार कार्ड में जो आदिवासी बच्चे ही नहीं, भारत के कोई भी डिप्राइव बच्चे हैं, कोई भी बच्चे, उनको आधार कार्ड के नहीं होने की वजह से आप टर्मिनेट नहीं कर सकते स्कूल से। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, 5 जजों का जजमेंट आया है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये देश में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी डिप्राइव लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको अपने एडमिशन के टाइम पर आधार कार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ हालांकि आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी, प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप जो है कहीं पर भी जाते हैं, आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उस पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लीक मोबाइल फ़ोन से डाटा इधर उधर लीक हो रहा है उसमें आपका, लेकिन इनकम टैक्स जब अगर आप भरते हैं तो उसमें आधार कार्ड की ज़रूरत है। तो ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी उसका जजमेंट आना बाकी है, अभी जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है नेट पे। जितना मैं फ्रंट रो पे था इस केस में, पहली लाइन में मैं था सुप्रीम कोर्ट में, तो जितना मैंने सुना उतना बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी, आज का दिन आदिवासी समाज के लिए बहुत बहुत बड़ा, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो आदिवासी लोग जो मेरे पास आए, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2 रिट पिटीशन फाइल करी थी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में आदिवासी लोगों की तरफ से मैंने पिटीशन फाइल करी थी। और उन लाखों, मेरे को कई लाखों हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, उन इस मीडिया के माध्यम से उन आदिवासी लोगों को मैं बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे, आपके वजह से लाखों करोड़ों आदिवासी बच्चों का लाइफ बची है, उनकी लाइफ सेव हुई है, फंडामेंटल राइट है। मैंने प्रेयर में बोला था कि, मैंने आर्गुमेंट किया था कि फंडामेंटल राइट है आधार का, फंडामेंटल राइट है जो है एजुकेशन, फंडामेंटल राइट है, इसलिए आप आधार कार्ड के बेस पे स्टूडेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला और आप सबको, और इसीलिए आदिवासी लोगों को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच।